दोस्तों, फिल्म मुगले आजम तो आप में से ज्यादातर लोगों ने देखी ही होगी। इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की सबसे शानदार फिल्मों में से एक माना जाता है। ये फिल्म साल 1959 में रिलीज हुई थी, लेकिन आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि इस फिल्म को बनने में 16 साल लग गए थे। जी हाँ, इस फिल्म की शूटिंग साल 1945 में शुरू हो गई थी और ये फिल्म साल 1959 में जाकर रिलीज हो पाई। बताया जाता है कि फिल्म आधी शूट होने के बाद कई साल तक बंद कर दी गई थी। बाद में फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। इस फिल्म की शूटिंग जब शुरू हुई थी तो मधुबाला टॉप एक्ट्रेस थी, जवान थी और काफी फेमस थी। लेकिन 16 सालों बाद जब फिल्म की दोबारा शूटिंग शुरू की गई तो मधुबाला बीमार और बूढ़ी हो चुकी थी। बताया जाता है कि बीमारी की वजह से मधुबाला ऐसी दिखने लगी थी कि उन्हें पहचाना जाना मुश्किल हो गया था। लेकिन अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डायरेक्टर के आसिफ ने मधुबाला के बॉडी डबल का इस्तेमाल किया। दोस्तों, इसलिए जब आप मुगले आजम फिल्म दोबारा देखेंगे तो गौर कीजिएगा कि फिल्म के आखिरी हिस्सों में मधुबाला का एक भी क्लोजअप शॉट नहीं लिया गया, क्योंकि उन हिस्सों को 15 से 16 सालों के बाद फिल्माया गया था। उस दौरान मधुबाला के बॉडी डबल का इस्तेमाल करके फिल्म की शूटिंग को खत्म किया गया। तो दोस्तों, आज हम फिल्म के जिस गाने की बात कर रहे हैं वो गाना है हुस्न की बारात चली। इस गाने को मुबारक बेगम ने गाया था, लेकिन इस गाने को फिल्म में नहीं लिया गया क्योंकि इसकी शूटिंग ही नहीं हो पाई थी। फिल्म रिलीज के कई सालों के बाद इस गाने की ऑडियो कैसेट रिलीज की गई। ये गाना आपको आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएगा। इस गाने को सुनकर आपको एहसास होगा कि अगर ये गाना फिल्म में होता तो फिल्म की प्रसिद्धि कई गुना बढ़ सकती थी, क्योंकि इस गाने को फिल्म के मुख्य गाने जब प्यार किया तो डरना क्या से भी ज्यादा पसंद किया जाता है। खैर, इस गाने की शूटिंग क्यों नहीं हो पाई, इसके पीछे भी एक दिलचस्प वजह है। फिल्म के निर्देशक के आसिफ ने गाने को सुनते ही सबसे पहले मन में ये बसा लिया था कि इस गाने को तो वो उदयपुर की झील में ही शूट करेंगे। इसी जिद पर वो आखिर तक अड़े रहे, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते इस गाने का उदयपुर की झील में शूट होना बहुत मुश्किल था। के आसिफ ने सोचा था कि फिल्म की रिलीज से पहले उस गाने को फिल्मा लेंगे, लेकिन बीच में कई सालों तक फिल्म डब्बा बंद रही। फिर जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो फिल्म का बजट इतना बढ़ गया कि इस गाने को उदयपुर जाकर शूट करने का ना बजट बचा और ना ही समय बचा, इसलिए इस गाने को आखिर फिल्म में नहीं रखा गया और फिल्म रिलीज होने के बाद ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज किया गया। इस गाने को आज भी काफी पसंद किया जाता है। तो क्या आपने फिल्म मुगले आजम का गाना हुस्न की बारात चली सुना है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये गाना कैसा लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।